तो जुलाई 2010 1 जुलाई ऑफ 2010 के बाद से बैंक्स को क्या कहा गया कि आपने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करना है, बेस रेट सिस्टम अडॉप्ट करना है। बेस रेट सिस्टम में क्या होता था, बेसिकली हम क्या करते थे, एक रेट लेते थे, उसको उसके बेसिस पे क्या था, बाकी सारे लोन्स के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट लगेगा वो डिसाइड किया जाता था। जो रेट लिया जाता था उसको बेस रेट कहा जाता था। बेस रेट इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि जो लैंडिंग रेट्स है उसके अंदर क्या लाई जा सके, ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, और जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी ट्रांसमिशन एक्चुअली हो रही है नहीं हो रही है उसकी क्या की जा सके, बेटर असेसमेंट करी जा सके। ठीक है, बट अप्रैल 2015 के अंदर आरबीआई ने डिसाइड किया कि बैंक्स को एनकरेज करा जाए कि वो बेस रेट से कौन से सिस्टम पे शिफ्ट हो जाए, एमसीएलआर पे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट के ऊपर क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। उसके लिए आरबीआई ने क्या करा, दिसंबर 2015 के अंदर गाइडलाइंस इशू करी कि किस तरीके से फंड्स की जो है मार्जिनल कॉस्ट निकाली जाएगी एंड उसके बेसिस पे किस तरीके से लैंडिंग रेट निकाला जाएगा। इसका पर्पज भी वही था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, उसकी ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। एमसीएलआर आने से पर्पज, एमसीएलआर के बेसिकली पर्पज ये भी था कि जो भी हमारी प्राइसिंग है जिसके बेसिस पे बैंक्स लोन देते हैं, वो प्राइसिंग जो हमारी पॉलिसी है वो डायनेमिक हो सके और रिस्पॉन्सिव हो सके। डायनेमिक एंड रिस्पॉन्सिव मतलब, डायनेमिक मतलब जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, रिस्पॉन्सिव मतलब अगर जिस तरीके से मार्केट के अंदर चेंज आता है, गाइडलाइंस के अंदर चेंज आता है, तो उसी तरीके से जो वो रेट है उसको भी क्या किया जा सके, चेंज करा जा सके। ठीक है, सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन फॉर द चैप्टर कि एमसीएलआर बेस रेट आया है बेसिकली क्यों। देन हम देख रहे हैं कुछ डेफिनेशंस। डेफिनेशन में सबसे पहली चीज आती है एडवांसेस अगेंस्ट ओन डिपॉजिट्स, कि मतलब खुद के ही डिपॉजिट्स के अगेंस्ट क्या देना, लोन प्रोवाइड करना, एडवांसेस प्रोवाइड करना। जो इसके अंदर डिपॉजिट है वो डिपॉजिट बेसिकली कोई भी हो सकता है, हो सकता है रुपीज के अंदर पड़ा हो, फॉरन करेंसी के अंदर पड़ा हो, टर्म डिपॉजिट हो सकता है। टर्म डिपॉजिट किसके नाम पे होगा, या तो बोरोअर के खुद के नाम पे, आइदर सिंगली और जॉइंटली, मतलब अकेले ने भी होल्ड करे हो सकते हैं, किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट में भी होल्ड करे हो सकते हैं। सेकंड, सपोज पार्टनरशिप फर्म है, उनके पार्टनर के नाम पे डिपॉजिट है बट लोन किसको दिया जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म को दिया जा रहा है। थर्ड, जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटरी कंसर्न मतलब जो इंडिविजुअल कंसर्न होती है उनके, जो प्रोप्राइटर उनके नाम पे एफडीज खड़ी हैं, डिपॉजिट्स खड़े हैं, एंड लोन किसको दिया जा रहा है, ऐसी कंसर्न को, प्रोप्राइटरी कंसर्न को लोन दिया जा रहा है। उसके अलावा सपोज एक गार्डियन, एक पर्सन है, उसका जो गार्डियन है वो वार्ड के बिहाफ पे बोरो कर सकता है, तो बेसिकली होगा एफडीआर किसके नाम पे होगी, जो पर्सन है वार्ड के नाम पे, और एडवांसेस किसको, एडवांसेस कौन ले रहा है, उसके गार्डियन को ऑन बिहाफ ऑफ वार्ड किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे। तो अगर इन केसेस के अंदर इनके नाम पे डिपॉजिट्स खड़े हैं और उनके अगेंस्ट एडवांसेस दिए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एडवांसेस अगेंस्ट ऑन डिपॉजिट, की खुद के ही एडवांसेस के अगेंस्ट क्या प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हमने बेसिकली पढ़ा कि जुलाई 2010 के बाद से क्या इशू किया गया, क्या एडवाइस किया गया, क्या बेस रेट सिस्टम अपनाओ। बेस रेट सिस्टम से पहले कौन सा सिस्टम यूज किया जाता था, उसको बोलते थे बीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट बेसिकली क्या था कि बैंक अपने इंटरनल बेंचमार्क रेट निकालते थे और उनके बेसिस पे क्या थे, लोन्स पे इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट रेट था उसको डिसाइड किया जाता था। तो इंटरनल बेंच रेट बेसिकली क्या होता है, इंटरनल बेंचमार्क रेट एक ऐसा रेट होता है, बैंक क्या करते हैं अपनी इंटरनल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, इंटरनली जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एक रेफरेंस रेट निकालते हैं कि इस रेट के अकॉर्डिंग हम जो लोन है उनको इशू करेंगे। तो जो वो रेफरेंस रेट होता है उसको बोलते हैं इंटरनल बेंचमार्क। तो पहले जस्ट इंटरनल बेंचमार्क यूज किया जाता था, उस रेट को क्या, उस सिस्टम को क्या बोलते थे, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। ठीक है, इसके अंदर आता है बेंचमार्क रेट, वही एक रेफरेंस रेट यूज किया जाता है। अगर जो ये रेफरेंस रेट है जब हम अपने इंटरनली मेथड से यूज कर रहे हैं तो निकालते, उसको बोलते हैं इंटरनल बेंचमार्क। एंड जब यही रेफरेंस रेट है हम एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेट कोई पब्लिश कर रहा है, तो उसको, उस केस में हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट बोल देते हैं। तो बेसिकली बेंचमार्क रेट के दो पार्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जब हम इंटरनली निकालते हैं, एक्सटर्नल मतलब अगर किसी पर्सन ने, इंडिपेंडेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर ने जब रेट पब्लिश किया हुआ एक्सटर्नल वाला, हम उसकी रेफरेंस ले रहे हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लोन्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। लोन्स में एक चीज, एक आता है फिक्स्ड एंड एक आता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड लोन बेसिकली या फिक्स्ड रेट लोन, ऐसे लोन जिनका मतलब जितने भी पीरियड का लोन है उस पीरियड तक जो भी इंटरेस्ट डिसाइड किया है वो सेम रहता है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड रेट लोन। फ्लोटिंग रेट लोन क्या होते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं होता, वो टाइम टू टाइम पे चेंज होता है, हर रीसेट डेट पे चेंज हो जाता है। रीसेट डेट मतलब कि किस डेट को जो है इंटरेस्ट रेट वो चेंज किया जाएगा, तो उसके हर लोन, हर एक लोन की स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या होती है, रीसेट डेट होती है। जैसे ही वो रीसेट डेट हिट होती है तो वो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उस टाइप के इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेट लोन्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद
एक वर्ड आता है रीसेट्स। रीसेट मतलब कि वही किस पीरियड पे रीसेट होगा इंटरेस्ट, तो जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, सॉरी किस टाइम पे जो इंटरेस्ट है वो बोरोवर से चार्ज किया जाएगा उसको बोलते हैं रेस्ट। कि जैसे आप सपोज ईएमआई है, ईएमआई के केस में होता है कि हर महीने उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो उसके अंदर जो रेस्ट पीरियड है वो मंथली रेस्ट पीरियड होगी। ओके, उसके बाद आता है टर्म लोन। टर्म लोन मतलब कोई ऐसा भी कोई भी ऐसा लोन जो एक स्पेसिफिक टर्म के बाद क्या किया जाएगा, रीपे किया जाएगा, उसको कहा जाता है टर्म लोन। ठीक है, तो एक बार सारी डेफिनेशन हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि डेफिनेशन आगे हमें काम आने वाली है। सबसे पहले एडवांसेस अगेंस्ट ओन डिपॉजिट्स, मतलब खुद के ही नाम पे कोई एफडी खड़ी है, चाहे रुपीज में चाहे फॉरेन करेंसी में, उसके अगेंस्ट क्या प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना। वो एफडीज किसके नाम पे भी खड़ी हो सकती है, बोरोवर के खुद के नाम पे सिंगली या जॉइंटली, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के नाम पे हो सकती है, प्रोप्रायटरी कंसर्न में प्रोप्रायटर के नाम पे हो सकती है, गार्ड अगर एक पर्सन है वो माइनर हो या उसका कोई गार्डियन है तो उस वार्ड के नाम पे हो सकती है, और उस वोट उस डिपॉजिट के अगेंस्ट क्या किया जा सकता है, लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। पहले क्या यूज होता था, बेंचमार्क, सॉरी पहले क्या यूज होता था, बेस रेट। अब यूज हो रहा है एमसीएलआर। एमसीएलआर से पहले वाला मैकेनिज्म था बेंच रेट। बेंच रेट से पहले वाला अब मैकेनिज्म जो यूज हो रहा है वो है एमसीएलआर। एमसीएलआर से पहले यूज होता था बेस रेट। बेस रेट से पहले जो यूज होता था उसको बोलते थे बीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। उसके अंदर हम बेंचमार्क रेट का यूज करते थे। बेंचमार्क रेट इज बेसिकली रेफरेंस रेट जिसके बेसिस पे क्या किया जा सकता किया जाता था, लोन्स पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा वो डिसाइड किया जाता था। बेंचमार्क रेट दो तरीके का हो सकता है, एक्सटर्नल या इंटरनल। जब इंटरनली डिसाइड हो रहा है तो इंटरनल वो हो जाएगा, जब एक्सटर्नली जो पब्लिश किया हुआ रेट उसकी रेफरेंस ले रहे तो वो एक्सटर्नल बेंचमार्क बन जाएगा। उसके बाद जो लोन है वो भी दो तरीके के होते हैं, एक जिसका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रहता है उसको बोलते हैं फिक्स रेट लोन, एक जिसका इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम पे चेंज होता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेट लोन। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आता है रेस्ट। रेस्ट बेसिकली ऐसा पीरियड जिस टाइम पे बोरोवर से क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। देन लास्ट इज टर्म लोन, कोई ऐसा लोन जो भी एक स्पेसिफिक टर्म के बाद रीपे किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, टर्म लोन कहा जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस में आता है सबसे पहले तो कि इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क, इंटरेस्ट रेट किस तरीके से चार्ज किया जाएगा, कि इन टर्म्स के बेसिस पे ही क्या करना है बैंक ने इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट किस तरीके से चार्ज करना है उसकी क्या होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए, और कॉम्प्रिहेंसिव जो भी पॉलिसी बनेगी उसको अप्रूव कौन करेगा, बोर्ड। तो बेसिकली बैंक के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए ऑन इंटरेस्ट रेट विच शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ठीक है, उसके बाद जो भी एडवांसेस दिए जाएंगे वो आरबीआई ने जो डायरेक्शन दिए हैं विद रिगार्डिंग्स टू बेंचमार्क उसके रेफरेंस को रखते ही क्या दिए जाएंगे, लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद जो भी बेसिकली बैंक क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा, उसमें बेसिकली क्या होना चाहिए, जो भी उन्होंने बेंचमार्क रेट निकाला उसके अंदर अपना क्या करो, ऐड करो स्प्रेड। ऐड करो स्प्रेड इज बेसिकली बैंक का शॉर्ट में बोल सकते हो प्रॉफिट, कि जो आपका बेंचमार्क रेट आया उसके अंदर क्या करो स्प्रेड ऐड करो, उस रेट जो भी नया रेट आया उस बेसिस पे आप क्या करोगे, लोन्स प्रोवाइड करोगे। ठीक है, इसके अंदर बस एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि जब भी ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा उस जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो बेस रेट एमसीएलआर के नीचे नहीं होगा, वो उसके ऊपर ही होने वाला है। ठीक है, और जो भी आपने बेंचमार्क रेट यूज करा, रेफरेंस बेंचमार्क जो भी आप यूज कर रहे हो वो क्या है, जो भी आपका लोन कॉन्ट्रैक्ट है उसका पार्ट होना चाहिए। उसके अंदर आपको बताना है कि आपने कि इस रेट के ऊपर हम इस रेट पर हमने बेंचमार्क लगाया इतना हमारा स्प्रेड और इस पे आपको इतना जो टोटल बनेगा आपसे हम क्या लेने वाले इंटरेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी इंटरेस्ट रेट आप चार्ज कर रहे हो सभी एडवांसेस पे क्या होना चाहिए, मंथली रेस्ट पे होना चाहिए, मतलब मंथली बेसिस के ऊपर होना चाहिए। हर मंथ आपने क्या करना है, उनसे इंटरेस्ट चार्ज करना है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर के एडवांसेस हैं या कोई ऐसे एडवांसेस जो किसको दिए गए हैं, फार्मर्स को दिए गए हैं। बाकी सभी केसेस में आपने क्या करना है, मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, बैंक्स के पास फ्रीडम है कि वो चाहें तो फिक्स रेट लोन भी दे सकते हैं और फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट लोन भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर जो रुपी एडवांसेस है मतलब ऐसे एडवांसेस जो रुपीस टर्म में दिए गए हैं उन पे जो इंटरेस्ट है उसको क्या करना है, आपने राउंड ऑफ कर देना टू द नियरेस्ट रुपीस, क्योंकि मतलब बेसिकली पैसों में नहीं रखना है, नियरेस्ट रुपी पे उसको क्या कर देना है, राउंड ऑफ आपने कर देना है। उसके बाद जो भी आपके स्मॉल वैल्यू लोन होंगे, ऐसे लोन जिनकी वैल्यू बहुत कम है, जिसके अंदर बेसिकली कौन सा आ जाता है, पर्सनल लोन आ जाते हैं, ऐसे लोन्स पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो बेसिकली उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कि एक तो जितनी बैंक ने टोटल कॉस्ट चार्ज की है, सेकंड उनसे बैंक को कितनी रिटर्न आने वाली है, दोनों को बेसिकली ऐड करके आप क्या कर सकते हो, उन पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ टेक ओवर ऑफ बैंक ब्रांचेस, कि अगर एक ब्रांच का टेक ओवर किया जाता है तो जो जब भी टेक ओवर हो रहा है तो वो म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होना चाहिए। बेसिकली कि एक ब्रांच का सपोज टेक ओवर हुआ तो ये नहीं होना चाहिए जो ब्रांच का टेक ओवर किया जा रहा है उसके बोरोवर्स को कोई डिसएडवांटेज हो, कोई दिक्कत हो, उनके पास उनको एक ऑप्शन हम देंगे कि या तो आप एग्जिस्टिंग बैंक के साथ अपनी कंटिन्यू कर लो या एक्वायरिंग बैंक के साथ अपनी क्या है जो लिमिट्स आई हैं जो भी बोरोवर अकाउंट है उसको कंटिन्यू कर लो, ताकि इनकेस उनको लगता है कि हम किसी डिसएडवांटेजेस पे हैं तो वो अपनी ऑप्शन का यूज करके उस चीज से क्या हो सके, बाहर हो सके। ठीक है, तो जो जो भी हमने ऊपर पढ़ी
कंडीशंस इंटरेस्ट रेट वाली, वो कौन कौन से लोन्स पे भी अप्लाई होंगी, रुपी एडवांसेस जो FCNR मतलब फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट दिए गए हैं, या फॉरेन करेंसी स्कीम के अंदर एडवांसेस के अगेंस्ट कोई भी लोन प्रोवाइड किए गए हैं उनके ऊपर भी क्या ये सारी कंडीशंस लगने वाली है कि इन बेसिस के ऊपर आपने क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। नेक्स्ट, दिस वॉज रिगार्डिंग टू द इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं। नेक्स्ट आता है पिनल इंटरेस्ट। पिनल इंटरेस्ट इज बेसिकली कि जैसे बैंक की कुछ टर्म्स होती है कि आपने इस पीरियड के बाद ये करना है, लाइक स्टॉक स्टेटमेंट वाली टर्म होती है कि आपने 3 महीने के बाद स्टॉक स्टेटमेंट देनी है और रेगुलर हर मंथ बेसिस पे स्टॉक स्टेटमेंट देनी है 10 तारीख से पहले। अगर आप लेट होते हो तो उस केस में क्या आपसे पिनल इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो पिनल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा उसके लिए भी आपको क्या बनानी है, पॉलिसी बनानी है। पॉलिसी को कौन अप्रूव करेगा, बोर्ड से आपने क्या करना है, अप्रूव कराना है, ठीक है। जो भी पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आप बंदे से पिनल इंटरेस्ट चार्ज कर लो, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस ऑफ द डेट, एंड हमें उस चीज पर भी ध्यान देना है कि उससे क्या हो, पर्सन को जनरली डिफिकल्टीज ना हो। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास बेस रेट, जो MCLR से पहले यूज किया जाता था बेस रेट से पहले क्या यूज किया जाता था, BPLR बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज बेस रेट। बेस रेट में बेसिकली क्या था, बेस रेट इज कि आपको एटलीस्ट इतना जो मिनिमम इंटरेस्ट है वो आपको क्या करना, चार्ज करना पड़ेगा। बेस रेट से नीचे के लोन्स आप क्या कर सकते, इशू नहीं कर सकते, एक्सेप्ट ऐसी कैटेगरी जो स्पेसिफिकली क्या की गई हूँ, एग्जम्प्ट की गई हूँ। अगर वो एग्जम्प्टेड लोन्स नहीं है तो बाकी सारे केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, एट मिनिमम बेस रेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो एक बैंक के लिए जो बेस रेट होगा वो सिर्फ एक ही होगा। बेस रेट के अंदर क्या होगा बेसिकली कि बैंक्स को जितनी भी कॉस्ट ऑफ फंड्स पड़ रही है, दैट इज नोन एज बेस रेट, कि आपको इतनी कॉस्ट ऑफ फंड्स पड़ी वो आपका बेस रेट है। इसके अंदर आप अपना स्प्रेड ऐड करके लोन इशू करते थे। जो भी आपने बेस रेट डिसाइड किया उसको आपने क्वार्टरली बेसिस पे क्या करना है, रिव्यू करना है। अगर आपके कॉस्ट ऑफ फंड कम हो उसको कम कर दो, बढ़े हैं तो उसको क्या कर दो, बढ़ा दो, ठीक है। बेस रेट के टाइम पे बैंक्स के पास एक चॉइस की जाती थी कि जो भी आप कॉस्ट ऑफ फंड्स अपने डिसाइड कर रहे हो वो आप अपने एवरेज कॉस्ट मेथड पे भी डिसाइड कर सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट मेथड पे भी डिसाइड कर सकते हो, या कोई आपको और मेथड सुटेबल लगता है उस पे भी डिसाइड कर सकते हो।